सिवनी जिले के सरेखा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सिवनी जिले के विकास की जिम्मेदारी मेरी है। हम किसानों की जेब में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और किसानों का फिर से कर्ज माफ करेंगे। हमारी सरकार आने पर हम गेहूं के लिए 2600 रुपए समर्थन मूल्य देंगे और धान के लिए 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। कमलनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनका पुण्य स्मरण किया। कमलनाथ ने बिरसा मुंडा और सभी आदिवासी महामानवों का जयकारा लगाते हुए सिवनी की जनता को संबोधित करते हुए कहा, आप तो हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी होने के नाते मैं सिवनी और केवलारी की जिम्मेदारी लेता हूं। परसों 17 तारीख को होने वाला चुनाव सिवनी जिले और पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। कमलनाथ ने कहा, अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप सच्चाई को सामने रख लीजिएगा और जब आप मतदान करने के लिए बटन दबाएं तो कांग्रेस के वचन पत्र को जरूर ध्यान में रखिएगा। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप सच्चाई का बटन दबाएंगे तब आप मध्य प्रदेश के भविष्य, युवाओं के भविष्य और माताओं बहनों के भविष्य के लिए बटन दबाने का काम करेंगे और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे।